नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर है। थाना कैसरगंज क्षेत्र स्थित गंडारा चौकी के पास पैना घाट कैसरगंज पुलिस बल अपने नियमित चेकिंग के दरमियान आवागमन करने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस चेकिंग में थाना प्रभारी कैसरगंज संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ स्वयं गश्त पर थे। अचानक मोटरसाइकिल से निकले वांछित अपराधियों खाले खपराहा निवासी दुल्ला व राजू मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से कहीं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर पुलिस कर्मियों की नजर पड़ी। पुलिस कर्मियों की चेकिंग करते देख अपराधियों ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी। संदिग्धों को भागते देख थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पीछा करना शुरू कर दिए, जिस पर घबराकर अपराधियों ने 315 बोर कट्टे से फायरिंग करते हुए भागने लगे कि अचानक आगे जानवरों के बांधने वाली कच्चे मार्ग पर मोटरसाइकिल लड़खड़ाते हुए गिर गई, जिसके बाद पुलिस बल को पीछा करते देख अपराधियों ने दोबारा 315 बोर कट्टे से पुलिस बल पर फायर किया। बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग से थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह व चौकी इंचार्ज समेत तीन और पुलिस कर्मियों के हाथ में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद इधर से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में ट्रेनिंग में सिखाए हुए पैदरे के अनुसार दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और शातिर बदमाशों को धर दबोचा गया। कैसरगंज पुलिस बल ने दोनों बदमाशों के पास से दो देसी 315 बोर के कट्टे व तीन जिंदा कारतूस और चार खाली खोखे समेत मोटरसाइकिल मौके वारदात से बरामद की है। कैसरगंज पुलिस द्वारा दोनों शातिर अपराधियों के इतिहास खंगालने के बाद पता चला कि दोनों शातिर अपराधियों पर लगभग दर्जनों भर मुकदमे और कई मामलों में वांछित चल रहे हैं और ये दोनों इलाके के दुस्साहसिक अपराधों में संलिप्त थे। घटना स्थल पर पहुंचे कप्तान ने बताया कि पुलिस व अपराधियों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज में चल रहा है। आज कोतवाली कैसरगंज के चौकी गंडारा क्षेत्र के गांव खालीपुरवा के पास पुलिस दल द्वारा गश्त और वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को रोका गया, जिन्होंने पुलिस पर तत्काल रुकने की बजाय फायर करना शुरू किया, जिसमें चौकी प्रभारी थाना प्रभारी और एक आरक्षी मनीष यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस बल द्वारा साहस और तत्परता दिखाते हुए बदमाशों की घेराबंदी की गई और उन बदमाशों का कस डटकर मुकाबला किया गया। जवाबी आत्मरक्षात फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें एक की पहचान राजू पुत्र गोबरे निवासी पहाड़पुरवा तथा दूसरे की पहचान दुल्ला पुत्र पुत्तन निवासी खालेपुरवा के रूप में हुई है। राजू के विरुद्ध 14 अभियोग गोकसी के पंजीकृत हैं तथा दुल्ला के विरुद्ध 6 अभियोग गोकसी के पंजीकृत हैं। इसमें से राजू के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और आज तक यह किसी भी अभियोग में पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका था।